तो पिछले एपिसोड में लूसी मैन को एस लोगों ने रेस्क्यू करे थे और अल्टा बीच पोकेमोन बन मैच से, तो एपिसोड देखिए आप देखना लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो हेलो एवरीवन, तो हमारा एपिसोड होती है पोकेमोन स्कूल से, और फिर यहाँ पर लीला आती है और सब शुक्रिया बोलती है और बोलते तुम मेरी मत की तुम बम को जैसे ठैंक बोलती है और सब खेलने लगते मस्ती करने लगते हैं, बोलते हैं बहुत दोस्ती है। और फिर प्रोफेसर बर्नेट और प्रोफेसर कुकी बात करते हैं सब हर बात में, वो बोलते हैं मास्टर एक बात बोलना चाहती है, पर प्रोफेसर कुकी बोलते हैं मुझे पता है, बोलते हैं क्या बात है बोलो तुम, तुम्हें क्या बात पता है सब बोलती प्रोफेसर बर्नेट। हर बाद में तुम मस्ती करने लगते हैं, हर बाद में प्रोफेसर कुकी बर्नेट बोलती है मैं तुम्हें चुनती हूँ। हाँ फिर प्रोफेसर एक पुतपुल आई करता है, हाँ बोलता है मैं तुम्हें चुनता हूँ, मतलब शादी कैसे प्रोफेस करें एक दूसरे को। हाँ जब प्रोफेसर बर्नेट शर्मा जाती है, और फिर वहाँ पे आ जाते जो हमारा प्रोफेसर कुकू या बर्नेट बोलते ऐसे में तुम्हारा एक बात बोलने की है। हाँ तुमने एपिसोड देखा होगा 137, वो इधर का बच्चा रहता है, ये एपिसोड में शादी है दोनों की। हाँ बहन दोनों बोलते हैं हम दोनों मैरिड करने वाले हैं, शादी करने के हम दोनों को, खैर बहुत खुश रहता है तुम शादी करने सब बात करने लगता है। हाँ फिर इसमें सब बुरा रहता है कि दोनों शादी करने वाले सब। हाँ बाद में बोलते हम एक बड़ा सा प्रोग्राम करेंगे शादी करेंगे, पर ऐसे बोलता है प्रोफेसर कुकू और प्रोफेसर बर्नेट बोला एक भी प्रोग्राम नहीं करने का, सब बोलते हैं सब उदास होकर बैठ जाते हैं आराम से। हाँ बाद में वो बोलते कुछ गड़बड़ तुम लोगों के साथ प्रोफेसर क्यों आते हैं सब बोलते, तो बोलते कुछ गड़बड़ नहीं है ऐसे, तो बहुत सर घबरा जाते हैं, मतलब क्या पूछेंगे प्रोफेसर कुकू ऐसा बोल के सब घबरा जाते हैं, बोलते कुछ नहीं कुछ नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ ऐसा बोलते हैं। हाँ बाद में वो सब खुद से प्लानिंग करते हैं हम सरप्राइज मैरिज का पार्टी करेंगे हम सब। और फिर वो प्रोफेसर पागल प्रोफेसर बोलते हम तो शादी करेंगे ऐसा बोलता है, वो शादी करेंगे सब हम बच्चे चाहिए आपको आना पड़ेगा। और फिर ऑल पर जाते हैं बोलते मुझे तुम्हारा बच्चा चाहिए शादी करने वास्ते, हाँ बोलते मैं आ जाऊँगा तुम चिंता मत लो आ जाऊँगी। और फिर जो मेलो रहती है वो जितना खाने का है वो सबको संभालती है मुझे खाने के वास्ते, बोलती हाँ मैंने जो पैंकी वाले उससे बुला ली जो ट्रेल के अंदर था वो पैंकी वाली लड़की पिकाचू ड्रेस वाली। हाँ फिर रात को चले जाते हैं, और फिर ऐसे बोलते हैं ग्लैडन को मिलता है, तो ग्लैडन को ऐसे बोलता है ऐसे ग्लैडन बोलते हैं मुझे तुम्हारे से काम था, हाँ बोलते तुम्हारा जिम कैसे हो गया था। और फिर जो ग्लैडन बोलता है मैं हर जगह जिम और हर ट्रायल कम्प्लीट करूँगा, हर पोकेमॉन वर्ल्ड चैंपियनशिप भाग लूँगा। हाँ बोलते हैं तो क्योंकि शादी कल तुम्हें आना पड़ेगा, बोलते पर मैंने सॉरी बोलता है। और फिर जो प्रोफेसर को कुछ सो जाता है तो पर जो हमारा राउलेट उसको मार मार जाता है, और फिर कुकू देख के चौंक जाते हैं कि राउलेट जागा हुआ है, इतनी जल्दी जागा हुआ राउलेट। और फिर बोलते हैं जो जल्दी चलना चाहिए, और जो हमारी जो प्रोफेसर बनने रहती है वो शादी की ड्रेस में रेडी रहती है जो शादी के वस्ते, और पूरी शादी का प्रोग्राम कर रखते हैं। और वो बोलते हैं तुम्हारे जो स्टूडेंट हैं वो सब ने शादी का प्लान करा है हमारे शादी के वस्ते। और फिर जो मैरिड कपड़े पहन लेते हैं दोनों, हाँ आते हैं दोनों कपल शादी करने आस्ते। और फिर ऐसे बोलते वो जो प्रोफेसर को ब्रेवरी निकालते हैं तो ऐसे देखे चौंक जाते हैं ब्रेवरी है, हर सब देखे चौंक जाते हैं ब्रेवरी को, मतलब जो रहते हैं लोग रहते हैं जो अलग पक में रहते हैं जो मंसला रहता है उसका ब्रेवरी रहता है उसका नाम भूल गया। हाँ हाँ टीम बोलती है हाँ ये शादी कर रहे हैं, जो पक में शादी में सोचती है जेम्स और उसकी शादी के बारे में। हर बंद बोलते तुम एक दूसरे को पति पत्नी मानते हो, और जो प्रोफेसर बहुत गंदे गंदे पेस बनाता है, हाँ फिर तुम शादी करते हैं और उसमें एक दूसरे को मैरिडिंग में आते ऐस देने आते एकदम फटी हुई ऐस की अंदर हमें पहले फिर एकदम परफेक्ट शादी दिखाई हमने, वो सच में परफेक्ट शादी है। और फिर तुम सारे बोलते हैं और फिर हाँ जो बोलते एक दूसरे तुम किस को ऐसा बोलता है तो वो लोग किस करते पता नहीं, पर जो मसले परफेक्ट क्योंकि बहुत किस करते हैं प्रोफेसर को थकी लोगों की थकनेस जागे होंगे तक से। और फिर मस्ती करने लगते हर बने फाप बोलते मैं तुमसे माफ़ी चाहता हूँ तुम्हारे वजह से मुझे इतनी प्रॉब्लम हुआ ऐसा बोलता है फाबा। हाँ बोलता है जो पोकेमोन उसका नाम नहीं लिखा था पोकेमोन ने उसका नाम पोकेमोन का नाम हम नेक्स्ट कोड बना रहे जो अल्ट्रा पोकेमोन अल्ट्रा बेस पोकेमोन है वो सबको रोकेंगे तुम सबको एक्सपीरियंस सब पोकेमोन रोकने का, तो सब हाँ बोल देते हो स्क्वाड के जॉन होने के आते सब लोग। हर बाद में ऐसा सोचता है कि उसको सोल गया फिर से देखने मिलेगा क्या नहीं, वो उधर के सोल गया चले गया था ऐसे वहाँ से। और फिर फाबा उस माफ़ी मांगते हैं फिर से जोर से माफ़ी मांगते हैं, हाँ बोलते तो हम शादी ज्वाइन करो। हाँ फिर वो बोलते वो टाइम आ चुका है अभी जिसके अंदर जो रहती लड़की वो फूल फेंकती है, हाँ जिसने फूल को पकड़ा उसकी अगली शादी होती है जो ओलिविया वो फूल को पकड़ लेती है, मतलब जो आइलैंड का है वो शादी अगली होंगी। और फिर हमें फिर से स्वर्ग दिखता है, मतलब उसको लगा था वो दिखेगा या नहीं, और फिर बोलते हैं मुझे फिर से स्वर्ग दिखेगा कि नहीं, और बोलते इस स्वर्ग तुम्हारा नेबी है, हाँ बोलता है हाँ ये मेरा नेबी है मुझे फिर से देखेगा। और फिर हमें छेले अजीब सा अल्ट्रा बेस पोकेमोन दिखाए जाते हैं छेले एपिसोड के अंदर,
छिल ले, और फिर शायद एपिसोड पूरा होता है, एपिसोड शायद लाइक कर देना, शेयर कर, कमेंट कर देना और सब्सक्राइब कर देना पॉप से कुकू या बर्नेट के वास्ते, तो 10 लाइक पूरा कर देना और जितनी लगाते हैं उतनी बुढ़ाते हैं। गुड बाय, तो मिलते हैं, बाय बाय, सी यू।